नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिस्ट्री एंड कॉइन्स चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको रतलाम रियासत के सिक्के के बारे में माहिती देने वाला हूँ और दोस्तों बताऊंगा कि आप किस प्राइस पर आप बाय कर कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं रतलाम रियासत के सिक्के। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे इस वाले वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो जरूर जाइए और उसको भी चेक कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों पार्ट वन में हमने कवर किया था रतलाम रियासत की हिस्ट्री को और इस वाले वीडियो में पार्ट टू में हम कवर करने वाले हैं रतलाम रियासत के सिक्के के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम रतलाम रियासत के सिक्के के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों रतलाम रियासत में आपको डिफरेंट टाइप की वेराइटी नज़र में आएगी एक पैसे में, और दोस्तों रतलाम रियासत में कहलाता है कि मोस्ट ऑफ एक पैसे का सिक्का ही जारी किया गया था। जो अभी आप दोस्तों स्क्रीन पे ये सिक्के सभी देख रहे हैं, ये रतलाम के शासकों ने दोस्तों जारी किए गए थे ये सिक्के, जिसमें दोस्तों ये रतलाम लिखा हुआ है, एक में कटर नीचे दिख रहा है और हनुमान जी वाले सिक्के भी इसमें नज़र में आ रहे थे। तो ये जो सभी आप सिक्के देख रहे हैं दोस्तों, ये दो अलग अलग शासकों ने जारी किए गए सिक्के हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन कॉइन्स के बारे में। स्क्रीन पे जो आप दोस्तों ये सिक्का देख रहे हैं, ये राजा प्रदम सिंह जी के समय का एक पैसे का सिक्का है, जो कि रतलाम के वो सातवें शासक रह चुके थे। ये एक पैसे का सिक्के का दोस्तों वजन है करीब 14 ग्राम से लेकर 15 ग्राम में ये सिक्के मिलते आते हैं, और मेटल कंपोजिशन की बात करूँ तो ये है कॉपर मेटल में ये सिक्के आते हैं। और ये जो आप दोस्तों बाजू में ये एक सिक्का है उसमें, ये पर्सनली दोस्तों ये मेरे कलेक्शन में शामिल है। तो ये जो सिक्के में आप जो एक मार्क देख रहे हैं, जो गोल एक मार्क है और इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये दोस्तों रतलाम के रियाज मार्क भी बोला जाता है, जो कि राजा प्रदम सिंह जी के समय के सिक्के में ये देखने को मिलते हैं। और ये दोस्तों सिक्के थोड़ी सी स्केयर कैटेगरी में आते हैं और इसकी वर्तमान प्राइस है आज दोस्तों लगभग 350 रुपीज़ से लेकर 500 रुपीज़ तक प्राइस है दोस्तों इसकी सिक्के की। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे सिक्के के बारे में। अब ये सिक्का दोस्तों रतलाम का सबसे खूबसूरत सिक्का भी कहलाता है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो कि दोस्तों जारी किया गया था रंजीत सिंह के समय में, जो रतलाम के 11वें शासक थे। उनके सिक्के में दोस्तों आपको एक, आप देख सकते हो ये ओवर साइड में एक डॉटेड सर्कल दिखाया गया है और इसमें लिखा हुआ है रतलाम लिखा हुआ मिलता है, जो कि गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और उसके नीचे एक कटार का चिन्ह दिखने को आपको मिलता होगा। बैक साइड की बात करूं तो दोस्तों आपको एक सर्कल में दिख रहा होगा एक गुजराती लैंग्वेज में डेट लिखी हुई मिलती है, वो भी विक्रम संवत में। इस वाले सिक्के में दोस्तों वो लिखी हुई है 1928, जो कि बहुत ही खूबसूरत ये सिक्का है। और वजन की बात करूं तो दोस्तों ये 9 ग्राम तक के ये सिक्के मिलते आते हैं, और मेटल कंपोजिशन की है, ये है कॉपर मेटल में ये सिक्के जारी किए गए थे। और ये सिक्के की दोस्तों वर्तमान प्राइस है 300 से लेकर 400 रुपीस में आप इसे बाय और सेल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रंजीत सिंह के समय के सिक्के के डिफरेंट वैरायटी के बारे में। ये जो सिक्के आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों आपको सेम एक जैसे सिक्के दिखेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पहले वाला सिक्का है वो 5.7 ग्राम का है और दूसरा जो सिक्का है वो 2.7 ग्राम का है। बाकी सब दोस्तों कॉमन है सिवाय डायमीटर के छोड़कर। डायमीटर में दोस्तों आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। ये जो सिक्के आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रंजीत सिंह के समय में जारी किए गए थे, और इसमें जो पहला सिक्का है वो विक्रम संवत 1947 में जारी किया गया था, और ये दूसरा सिक्का नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये विक्रम संवत 1942 में जारी किया गया था। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं ऑबवर्स और रिवर्स में इसमें क्या बना हुआ है। तो दोस्तों ऑबवर्स साइड में आप टॉप में आप देख सकते हो एक स्टार बना हुआ है, और नीचे दोस्तों हनुमान जी का लेफ्ट में चल रहे हैं ऐसा एक चिन्ह, हनुमान जी का एक चित्र दिखाया गया है, और आजू बाजू दोस्तों फूल की पत्तियाँ दिखाई गई है, और लास्ट में आप देखेंगे तो देवनागरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है रतलाम लिखा हुआ आपको मिलता है सिक्के में। और रिवर्स साइड में आपको एक फूल की पत्तियों से एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर आपको एक पैसा लिखा हुआ मिलेगा और सेवंथ लिखा हुआ है 1947। और इसकी दोस्तों इस कॉइन्स की एज आती है प्लेन एज, और ये कॉइन्स दोस्तों आपको कलेक्शन में शामिल करने के लिए आपको एग्जीबिशन या फिर कोई अच्छे डीलर से आप ले सकते हो 200 से लेकर 300 रुपीस में ऐसे सिक्के। तो ये जो सारे अब दोस्तों हम बात की थी, ये सभी सिक्के दोस्तों रतलाम के एक पैसे के सिक्के थे।
तो दोस्तों ये तो थे रतलाम के कुछ सिक्के। अगर आपके भी कलेक्शन में ऐसे कलेक्शन में ये सब कॉइन्स है तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए।